हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लस वन क्लास के फिजिक्स करने जा रहे हैं। जो हमारा सेकंड चैप्टर काइनेमेटिक्स चल रहा था बेटा, उसका जो सी पार्ट है वेक्टर, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्टली वेक्टर्स होते क्या हैं? वेक्टर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं बेटा। एक तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर स्केलर क्वांटिटी में हमारे पास क्या होता है, कह रहे विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। जो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताए कि हाँ कितना मैग्नीट्यूड है, इतनी वैल्यू है उसकी, बट कोई भी डायरेक्शन ना बताए कि वो फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, तो उसकी कोई भी डायरेक्शन ना बताए, सिर्फ हमें उसका मैग्नीट्यूड एक्सप्लेन करे, वो होता है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि कोई भी हमारे पास हो गया, एग्जाम्पल में वर्क हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, मास हो गया, ये सारा हमारे पास क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर हमारे पास क्या होते हैं, जिसके बारे में हम सारे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वेक्टर, पहले आपको वेक्टर पता होने चाहिए कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। इस वजह से पहले मैं आपको स्केलर और वेक्टर के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा। तो जैसे स्केलर, अभी हमने पढ़ा था कि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है कि अगर 3 है 4 है 5 है 6 है कितना मैग्नीट्यूड है उसका, बट उसकी कोई डायरेक्शन को मेंशन नहीं करता। वेक्टर्स में क्या होता है, कह रही फिजिकल क्वांटिटी होती है विच बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीजें जो एक्सप्लेन करता है, मैग्नीट्यूड भी बताता है और साथ में डायरेक्शन भी बताता है। मैग्नीट्यूड की, हाँ मैग्नीट्यूड ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, पहले फर्स्ट पे ए पार्ट में, मतलब कि ए वेलोसिटी से जा रहा है तो वो ऐसे जा रहा है, बी में तो ऐसे जा रहा है, अगर वो 4 इस साइड में गया 4 वो उस साइड में गया, अपोजिट डायरेक्शन में गया, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएगी वैल्यू। अगर दोनों ही एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, एड अप हो जाते हैं, ठीक है। तो वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक्सप्लेन करते हैं, जो वो क्या होते हैं हमारे पास वेक्टर्स। जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंट हो गया, ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं बेटा वेक्टर क्वांटिटी के, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है, ये सारे, ठीक है बेटा, क्लियर है, अच्छे से आपको आई, तो इनको स्केलर और वेक्टर के बारे में एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। नेक्स्ट हम पोजिशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन प्लेन, ये हम टॉपिक करने जा रहे हैं। तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर कौन सा होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा होता है? तो कह रहे बेटा, एक हम ग्राफ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला ग्राफ ले लेते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, प्लेन लेते हैं। जब ओ हमारे पास क्या एक ओरिजन है, जहां से ओ से ए तक कोई पॉइंट है जो मूव करके ए पॉइंट तक जा रहा है, उसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। जो ओ से ए ओरिजन से जाता है, ओरिजिन से बाहर वाली साइड, जैसे ओ से एक ही साइड, तो इस साइड में एरो हमने शो किया हुआ है तो बाहर वाली साइड जा रहा है, ऐसे ही ओ से बी के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर्स, जिसे हम आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय आर वेक्टर बोलते हैं, जो ऐसे लाइन ऊपर लग जाती है तो वेक्टर, वेक्टर भी बताया, जो डिस्प्लेस, जो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताता है। देखो मैग्नीट्यूड भी बता रहा है कितनी वैल्यू है इसकी, और ये डायरेक्शन भी बता रहा है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ऐसे ही ओ ए है, एक ओ बी भी हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है, जो हम इसे दोनों को आर आर वेक्टर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कह रहे इट टेल द स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजन और द स्टार्टिंग पॉइंट। कह रही ये क्या बताता है कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है कोई पॉइंट है जो, ठीक है। इट टेल द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन, और क्या बताता है, उसकी पोजीशन बताता है, डायरेक्शन बताता है ओरिजिन से, ठीक है। ऐसे ही कह रहे टी टाइम के ऊपर हमारे पास क्या है, एक वेक्टर मूव कर रहा है और टी डैश पे बी पॉइंट के ऊपर मूव कर रहा है, जो दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। तो कह रहे इसकी क्या डेफिनेशन बन जाएगी हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज दैट वेक्टर विच टेल हाउ मच, कितना, हाउ मच मैग्नीट्यूड मतलब कि, एंड इन विच डायरेक्शन, और डायरेक्शन जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताते हैं। कह रहे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विच टेल हाउ मच, कितना, इन विच डायरेक्शन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजिशन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, कितने टाइम इंटरवल में कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से कितना और किस डायरेक्शन में मूव कर गया है, चेंज कर गया पोजीशन, उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल देते हैं, ठीक है बेटा।
रहे कोऑर्डिनेट, जैसे मेरे पास क्या है ए और बी कोऑर्डिनेट है, तो ए की क्या है एक्स वाई पॉइंट है मेरे पास कोऑर्डिनेट है, और बी के एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ओ ए है जो मेरे पास, फर्स्टली ओ ए है, तो उसका क्या बन जाएगा मेरे पास एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे कैप, आई जे आई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। मतलब कि उसके साथ वेक्टर के साथ हमने क्या लगा देते हैं आई कैप और जे कैप लगा देते हैं, हमने पहले ही पढ़ा है। तो दो कोऑर्डिनेट्स हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ क्या लग जाएगा एक्स के साथ आई कैप प्लस वाई के साथ क्या लग जाएगा जे कैप, ऐसे ही सेम ओवी में क्या लग जाएगा एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप। अब ए और बी की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो क्या होगा उसके अंदर दोनों की वैल्यूज को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या निकल आया बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल आया, समझ आ गया बेटा ये आपको अच्छे से। ये क्या था हमारे पास पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन अ प्लेन, प्लेन के अंदर पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है बेटा अच्छे से ये समझ आ गया हम। देन हमारे पास क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर, कह रहे अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दे किसी भी एक वेक्टर को रियल नंबर से क्या क्या होता है, कह मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर ए बाय ए रियल नंबर एन बिकम अनदर वेक्टर एन ए वेक्टर। तो कह रहे अगर हम किसी भी वेक्टर को किसी भी नंबर एन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास नया एक वेक्टर तैयार हो जाता है, वो क्या हो जाता है एन ए वेक्टर, इट्स मैग्नीट्यूड बिकम एन टाइम्स, उसका मैग्नीट्यूड भी एन टाइम्स बढ़ जाता है और उसका जो मैग्नीट्यूड है जो वेक्टर के साथ डबल टाइम हो जाता है। कह रही इट्स डायरेक्शन इज सेम एज अपोजिट टू द दैट ऑफ ए वेक्टर, कह रहे उसकी पोजीशन डायरेक्शन है वो सेम भी रह सकते हैं और ए के अपोजिट भी हो सकती है, वो उसके रियल नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एन ए है तो रियल नंबर क्या है पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव, अगर एन माइनस एन है तो उसके अगर रियल नंबर की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो उसका वेक्टर है जो वो भी नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी, तो देखो बेटा इसके अंदर जैसे मेरे पास क्या है एक ए पॉइंट है और सेकेंड भी दूसरा पॉइंट भी उसी डायरेक्शन में डबल हो गया, मतलब कि उसके साथ जुड़ गया दो ए बन गया, तो डबल हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड भी डबल हो गया, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड भी उसी डायरेक्शन में मूव कर, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या हो गया ट्वाइस हो गया। अगर मान लो ए डायरेक्शन में ए मूव कर रहा है दूसरी डायरेक्शन में, मतलब कि -2 ले लिया एन ना मेरे पास जो है नेगेटिव ले लिया, पहले हमने एन क्या लिया था पॉजिटिव ले लिया था 2 ले लिया था, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया था डबल हो गया था। अब रियल नंबर की वैल्यू क्या ले ली हमने -2 ले ली, तो हमारे पास वेक्टर क्या आ जाएगा -2 है, तो उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। अगर वो रियल नंबर पॉजिटिव है तो उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी सेम रहेगी, अगर उसकी रियल नंबर की वैल्यू जो नेगेटिव होगी तो उसकी वैल्यू उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपोजिट हो जाएगी। ओके बेटा क्लियर है, ओके थैंक यू।